हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका GSR बाजार में। दोस्तों, अभी हमारे चैनल पर कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, जिसमें हम कंप्यूटर कोर्स को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करके ब्लैक बना देना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा हो, घंटी सी दिख रही है, उसको आपको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके पेंट के बारे में। ओके, आज हम जानेंगे दोस्तों पेंट के बारे में। पेंट हमारा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, हम कहें तो एक तरीके से हमारा पेंट कंप्यूटर बेसिक तरीके से होता है, यानी कि आपके में सॉफ्टवेयर हो या ना हो, वो ये पहले से इंस्टॉल होता है। यानी जब भी आप विंडो डालोगे कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो ऑटोमेटिक पहले से होता है। ओके, यदि आप यानी कि आपको ये इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करें हमें जो हमारा पेंट है, इसे हमें क्यों सीखना चाहिए। पहले तो सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर में कोर्स करने से पहले इसको आपको सीखना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता चलाने, तो यदि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने नहीं आता, तो आपको ये सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो हमारा पेंट होता है, इसमें आपको माउस को अच्छी तरीके से चलाना आ जाता है। ओके, और जो हमारे कंप्यूटर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कीबोर्ड की, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, ओके, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, सारी चीज़ें सेलेक्ट करना, और कंट्रोल जेड यानी कि रिंडो करना, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको अच्छी तरीके से सीखने आ जाती हैं। ओके, इसीलिए आपको सबसे पहले पेंट को सीखना चाहिए। ओके, तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिल्कुल जीरो लेवल से पेंट को सीखते हैं। दोस्तों, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बात करूँ, मैंने कंप्यूटर की 3 वीडियो बना दी, जिससे मैंने कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया कि किसी सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे इसको क्लोज करते हैं, कैसे इसको जूम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, यानी सारी चीज़ें बता दें। ओके, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं तो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पेंट को ओपन करने के लिए या तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर आइकन इसका दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से पेंट। यदि डेस्कटॉप पर आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी आपका कीबोर्ड है उससे आपको विंडो का बटन प्रेस करना है। क्या दबाना, विंडो का बटन एक होता है, विंडो जैसा आइकन होता है उसको प्रेस करना है इस प्रकार से। जैसे आप विंडो का बटन को प्रेस करोगे, इस तरीके का यहाँ पे सर्च बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेंट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर डालोगे, आपको क्या करना है, इसको एंटर कर देना है इस तरीके से। जैसे एंटर करोगे, आपके सामने यहाँ पर पेंट का जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे पेंट का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हमारा पेंट होता है ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं, एक तरीके से हमारा ये इंस्टॉल ऑटोमेटिक पहले से होता है। जब हम विंडो डालते हैं, विंडो के साथ ही होता हमारा ये, ठीक है। हमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में। ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से अनइंस्टॉल हो, वो इंस्टॉल होता है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेंट ओपन होके आ गया। सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन, अभी पेंट हमारा होता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले यानी कि जो भी हम कंप्यूटर सीखते हैं, लैपटॉप सीखते हैं, सबसे पहले सीखने के पहले हम MS जो हमारा पेंट होता है इसको हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा पेंट होता है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं बेसिक। जो हमारा कंप्यूटर होता है, इसका एक तरीके हमारे बेसिक होता है। ओके, यानी कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाती है आपको, यानी कि आपको माउस का प्रयोग कैसे करना है, कीबोर्ड का थोड़ा प्रयोग कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, एक तरीके से आपको माउस को कैसे चलाना सीखना है। ओके, इस तरीके से आपको मिल जाता है। यानी कि एक तरीके से कहे, जो हमारा पेंट होता है इसकी डेफिनेशन होती है, यानी कि हमारे ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और हमारा माउस चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से हमारे कंप्यूटर का बेसिक होता है। ओके, तो अब इसका समझते हैं इंटरफेस, यानी जो हमारा पेंट होता है इसको हम, जो हमारे ऊपर बटन होते हैं इसमें कितने बटन होते हैं और किस किस बटन को क्या क्या बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चित्र को लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक चित्र को लिया हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं। तो आपके सामने आ गया है, आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से। देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने चित्र आ चुका है पेंट का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम जो हमारा बटन होता है, देख सकते हैं नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे टूल बार होते हैं। ओके, यहाँ से आप एक्सेस टूल बार को कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा नंबर 1 पे, यहाँ पर बटन दिखाई दे जाएगा, इसको हम बोलते हैं पेंट बटन। यहाँ पे हमारा पेंट का बटन होता है। ओके, नंबर 3 पे आता हमारा और रिबन। रिबन हमारा कौन से होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे पेंट में आपको यहाँ पे फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। ओके, इसके बाद आता है नंबर 4, ड्राइंग।
ड्राइंग एरिया हमारा कौन सा होता है जो हमारे यहाँ पे खाली खाली दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, आपको इसको नोट कर लेना, चित्र बना के इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ओके, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको बना सकते हो। अब चलते हैं अपने पेंट की ओर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पेंट की ओर। अब इसका एक एक फीचर्स समझते हैं। ओके, आपको इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, मैं आपको इसका एक एक फीचर्स बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था उस प्रकार से, यानी कि बेसिक कराया था पिछली वीडियो में उस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, जो हमारा बटन है यहाँ से शुरुआत करते हैं कोने से। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बटन आता है हमारा, जो हमारा पेंट बटन होता है, इसके अंदर हम चलते हैं और इसका अंदर हम फीचर्स यहाँ पे समझते हैं। तो इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता हमारा न्यू। अब न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू यानी इसकी शॉर्ट की होती है, आपको यहाँ पर डालना पहले न्यू, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+N, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी Ctrl+N। ओके, आप यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हो इसका, यानी कि न्यू का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे लिख सकते हो। यदि हिंदी में लिखना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पेज लेने के लिए, यानी कि एक तरीके से बोले तो एक खाली पेज लेने के लिए, ठीक है, यानी न्यू पेज लेने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, नया पेज लेने के लिए। ओके, इसके बाद आता हमारा नंबर टू ओपन, नंबर टू पे आता हमारा ओपन। और ओपन क्या होता है, यानी कि ओपन की शॉर्ट की होती है Ctrl+O, क्या होती है Ctrl+O, इसका मतलब होता है यानी कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, यानी कि बनी हुई फाइल को, किसी भी बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता नंबर थ्री, नंबर थ्री आता हमारा सेव, इसकी शॉर्ट की होती है हमारी Ctrl+S, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा यानी कि कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे न्यू पेज होता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा सेव एज, इसकी हमारी शॉर्ट की होती है सेव एज, इसकी शॉर्ट की होती है हमारी, एक तो F12 होती है, ओके, एक होती है हमारी Alt+F। तो इसका मतलब क्या होता है, सेव एज, पहले तुम्हारा सेव, यानी कि सेव एज का मतलब होता है यानी कि सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे पेंट, प्रिंट, प्रिंट यानी कि प्रिंट निकालने के लिए, तो बाद में बताऊँगा, बाद में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड, यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे पहले एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ, तब आपके समझ में आएगा, अभी शो नहीं कर रहा है फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये, तो देख सकते हो मेरे यहाँ पे आ चुका है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका मतलब इसमें दोस्तों तीन फीचर्स होते हैं हमारे, एक होता है फिल, एक होता है टाइल, एक होता है हमारा सेंटर, यानी इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। यानी फिल का मतलब करें तो हमारे जो भी पिक्चर है, यदि हम बैकग्राउंड पे यानी लैपटॉप पे बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो हम पूरी फिल का मतलब है यानी कि पूरी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। ओके, फिल में आप लिखोगे यानी कि फुल स्क्रीन पर इमेज को लगाने के लिए। दूसरा आता हमारा टाइल, पिक्चर को टुकड़ों में लगाने के लिए। तीसरा आता हमारा सेंटर, पिक्चर को बीच में लगाने के लिए। ओके, इन तीनों का मतलब क्या होता है हमारा, यही होता है, पहले होता हमारा पिक्चर को फुल स्क्रीन पर लगाने के लिए, दूसरा होता हमारा पिक्चर को टुकड़ों में लगाने के लिए, तीसरा होता हमारा पिक्चर को बीच में लगाने के लिए। ओके, इसके बाद आता हमारा आप वो प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है यानी कि कोई भी हम इमेज बनाएंगे तो हम उसका साइज देख सकते हैं पूरी तरीके से, हमारा कितना साइज है, कैसा क्या है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इमेज, इसका मुझे अभी साइज दिखा देगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मेरे यहाँ पर साइज आ चुका है, देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से कितनी DPI में, 120 DPI में रिसोल्यूशन हमारा कितना, 120 DPI। ओके, ये भी आपके बाद में समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, अभी तो आपको समझना है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने यहाँ पे नोट तो कर लिया होगा, सारे यहाँ पे नोट तो कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद आता हमारा अबाउट पेंट, यानी अबाउट पेंट का मतलब होता है जो हमारा पेंट है इसका पूरा अबाउट, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, यानी कि कौन सा वर्जन है, कैसे क्या है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट एक्सेड, एक्सेड आप कर दोगे तो हमारा ये पेंट जो है हमारा, जो हमारा ये फीचर्स है एक्सेड यानी कट जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं नंबर फर्स्ट फीचर जो हमारा न्यू था, न्यू का मतलब क्या होता है हम अब समझते हैं, ठीक है। तो न्यू की शॉर्ट की हमारे क्या होती थी, Ctrl+N, जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा हो यहाँ पे पेज,
जो हमारा यहाँ पे पेज है इस पर अभी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एक गोला बना हुआ है। ओके, मैं चाहता हूँ ये गोला, मैं यदि इसको डिलीट भी नहीं मारूँ, कुछ भी नहीं करूँ, मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं न्यू पेज आके क्लिक कर दूँगा, या तो मैं इसे शॉर्ट की मारी क्या थी, कंट्रोल प्लस एन, तो मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल प्लस एन इस प्रकार से। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा डोंट सेव। ओके, देख सकते हैं मेरा यहाँ पे न्यू पेज आ चुका है। ओके, वो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ था, वो मेरे यहाँ से चला गया। तो न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू पेज लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट था हमारे यहाँ पे ओपन। अब देखो ओपन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे इमेज हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ओपन करके दिखाता हूँ कोई भी इमेज। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करूँगा। तो मैं यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ इस प्रकार से, और मेरे यहाँ जहाँ पे मेरा इमेज या फाइल है, मैं यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ पे खोल लूँगा। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा हमारे यहाँ पे कर्जर चल रहा है। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इमेज सेव है। ठीक है, यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जहाँ पर मेरे इमेज सेव है वहाँ पे जा सकता हूँ। तो मेरे ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेज निकल के आ चुका है, तो मैं यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओपन के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस प्रकार से। जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते मेरे यहाँ पे इमेज आ चुका है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते मेरे यहाँ पे इमेज आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा ओपन का मतलब क्या होता है, नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी पिक्चर को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। इसके बाद बताता हूँ मैं नेक्स्ट। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से मैंने इस पिक्चर को उठा दिया है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट था हमारे यहाँ पे सेव। अब सेव का मतलब क्या होता है, नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, पहले मान लो मैंने यहाँ पे बना लिया इसको, ये सारा कुछ बनाऊंगा, सारा कुछ बताऊँ कैसे क्या बनाते, सारे एक एक फीचर्स बताऊँगा, एम पेंट का एक एक फीचर्स बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मैं यहाँ पे कलर पहले कुछ भी डाल सकता हूँ, सारा कुछ बाद में बताऊँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करना है। ओके, मैं यहाँ से एक सेव कर देता हूँ, सेव करना ही मैं आपको बताऊँगा पूरी तरीके से। ओके, ध्यान से देखना है आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ से कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ कीबोर्ड से, और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ध्यान से समझना आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, तो मैंने यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे फाइल चूज करने, यानी मैंने यहाँ पे फोल्डर को चूज करना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना फोल्डर को कि मैं किस फोल्डर में यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ फाइल को। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करें, तो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप, यहाँ से मुझे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब डेस्कटॉप क्या होता है, कि जो भी हमारे आइकन दिखाई देते हैं शुरू में, जो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो हमारे आइकन दिखाई देते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे जाएगा। तो मैं यहाँ से मुझे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर सरका दूंगा, इस कर्जर को इस प्रकार से, और मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में आ चुका, देख सकते हैं इस प्रकार से, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस प्रकार से। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, बस आपका डेस्कटॉप आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नाम दे देना, आपको यहाँ पे एक फाइल नेम दे देना इसका। तो मैं यहाँ से एक नेम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिक, मैं यहाँ से डाल देता हूँ पिक, PIC। ठीक है, PIC इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पिक डाल दिया। पिक डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे बटन दिख जाएगा सेव, आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना। बस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको मान लो ऑब्जेक्ट को देखना, आपका ऑब्जेक्ट सेव हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपका क्या करना, जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आपको डिलीट कर देना पहले। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ से इसका करता हूँ कंट्रोल ए और यहाँ पे डिलीट। तो मेरे यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे
ओपन करूँगा, ठीक है। तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से या तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे कोने में जा सकता हूँ पेंट के बटन की ओर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, आपको यहाँ पे इस तरीके का आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा हो, इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ओपन हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा इस प्रकार से। तो थोड़ा वेट करते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है, देख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, आपने फाइल को कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पर। तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप, पहले आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे अब आपके सारे इमेज आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी आपने फाइल नेम से सेव किया है। अब आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। तो ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एरो से इसको नीचे करना है, यहाँ से इसको नीचे खिसकाना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको दिखाई दे जाएगा, आपको यहाँ पे पिक आ चुका है, देख सकते हैं। आपने किस नाम से सेव किया था, पिक, तो देख सकते हैं यहाँ पे पिक नाम से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके पिक के ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से, क्लिक करना दो बार करना है, या इसको ओपन कर देना इस प्रकार से, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सेव मांग रहा, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डोंट सेव के ऊपर क्लिक करना है, और इस तरीके का वो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके आपने क्या सीखा, यानी कि न्यू हमारा क्या होता है, न्यू पेज लेने के लिए, सेव हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए, ओपन हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, सेव एज हमारा क्या होता है, दूसरे नाम से सेव करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आता हमारे यहाँ पे सेव एज, नेक्स्ट आता हमारे यहाँ पे सेव एज, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेव एज। इसकी पूरी यानी कि जो हमारा इसकी डेफिनेशन, वो तो मैंने पहले आपको लिखाई दी है, ठीक है। सेव एज हमारे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, यानी कि सेव किए हुए ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। तो मैं जैसे कि इसकी सेव एज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आएगी। थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विंडो ओपन होके आ चुकी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा होगा, नेम यानी कि पिक नेम मेरे यहाँ पे पहले से डला हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले से मेरे यहाँ पे फाइल सेव हुई है। अब मुझे फाइल दूसरे नेम से सेव करनी है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ ए, इस तरीके से ए मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं क्या करूँ, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, ओके। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से सेव ही, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से सेव हुई फाइल को दूसरे नाम से इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब आता हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे इस प्रिंट वाला, और ये यहाँ पे सेंड ईमेल वाला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। इसके बाद आता हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्योंकि दोस्तों आपको सेंड ईमेल है, आपको नेट से ही पता चलेगा, यानी कि इसमें नेट कनेक्ट करके तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी इसका मतलब क्या होता है, हमारे तीन आते हैं इसमें ऑप्शन, एक आता हमारा फिल टाइल और यहाँ पे सेंटर। अब समझते हैं पहले फिल, यानी कि फिल का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जो भी डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड यानी एम पेंट में जो भी पिक्चर बनाओगे, तो वो फुल स्क्रीन पर सेव कर सकते हो। जैसे मैं आपको फुल स्क्रीन पर सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। तो पहले यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पहले मैंने यहाँ पे ले चुका, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेट ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और यहाँ पे फिल के ऊपर इस तरीके से क्लिक करूँगा, ओके। तो मैं आपको डेस्कटॉप पर अभी दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे फिल साइज में पूरी सेव हो चुकी होगी, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इस तरीके से। देख सकते हो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर फुल साइज में यहाँ पे हो चुकी है सेव। अब दिखाता हूँ मैं टुकड़ों में, यानी कि टाइल। तो क्या करना है, मैं यहाँ पे पेंट के ऊपर क्लिक करना है, पेंट पर आना और यहाँ पे बटन में आना, और यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे मुझे करना है टाइल के ऊपर इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज करके दिखाता हूँ टाइल, देख सकते हो मैंने यहाँ पे टुकड़ों में स्क्रीन लग चुकी है। एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गोला,
और आपको मैं नीचे खिसकाता हूँ, एक यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे टुकड़ों में लग चुका। अब दिखाता हूँ मैं आपको सेंटर में, तो सिंपल है आपको क्या करना, सेंटर में क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सेट और डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, देख सकते हो मेरे यहाँ पे पिक्चर सेंटर में लग चुकी है। आपको यहाँ पे नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो इस प्रकार से, ओके, और ऊपर भी आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ओके, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। यानी कि हमने यहाँ पे जो हमारे एम एस जो सॉरी दोस्तों जो हमारा पेंट है उसके जो हमारे यहाँ पे बटन होता है, पेंट बटन होता है, उसके हमने यहाँ पे सारे फीचर एक तरीके से जान लिए। जैसे हमारा सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कितने होते हैं, तीन, तो तीनों का मतलब क्या होता है, जो हमारा पहला होता है फिल, फिल हमारा क्या होता है, यानी कि फुल स्क्रीन पर किसी भी इमेज को सेव करने के लिए लगाने के लिए, ओके। टाइल क्या होता है हमारे टुकड़ों में लगाने के लिए, और हमारा सेंटर क्या होता है बीच में लगाने के लिए, ओके। तो पिछली वीडियो हमने इन सारे फीचर्स के बारे में जान लिया था, कौन कौन से फीचर्स थे देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे सारे फीचर्स निकल के आ चुके। जैसे हमारा न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव एज क्या होता है, सेव क्या होता है, और यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, ओके, कितनी तरीके से हम डेस्कटॉप पर पिक को लगा सकते, पिक्चर को सेट कर सकते, ओके। आज हम जानेंगे कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो नंबर फर्स्ट आता हमारे यहाँ पे पेस्ट, सबसे पहला फीचर आता हमारा पेस्ट। पेस्ट हमारा क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा पहले, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल वी, क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, ओके, कंट्रोल प्लस वी, यानी कि इसका इसकी डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, ओके, पिक्चर या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कोई इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले कॉपी करना है, कॉपी मारा कौन सा है, पहले तो मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट, ये वाला सिलेक्ट होता हमारा, ठीक है, यानी कि इसको भी आप लिख लीजिएगा सिलेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा या तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर दूँगा, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कीबोर्ड से कर देता हूँ कंट्रोल वी, पहले तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट इस तरीके से। अब मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से कर दूँगा कॉपी, देख सकते हो कॉपी, कॉपी मारे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, ओके, डुप्लीकेट एक तरीके से डुप्लीकेट बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल वी, क्या होती है, कंट्रोल वो सॉरी दोस्तों कंट्रोल सी, क्या होती है, कंट्रोल सी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी तो मैंने कर लिया, पेस्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर सकता हूँ, ओ वी यानी 22 नंबर वाली कंट्रोल वी, या तो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ओके, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे दूसरा डुप्लीकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है, ओके। तो यानी कि पेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए। शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल सी, पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल वी। अब इस शॉर्ट की क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा, शॉर्ट की यानी कि इससे हमारा जल्दी काम होता है, हमें माउस का यूज नहीं करना पड़ता, ओके। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट की मैं आपको बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे सिलेक्ट यानी कट का मतलब आप समझते हैं, आपको कॉपी का मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे पेस्ट का मतलब समझ में आ गया, सिलेक्ट का मतलब समझ आया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, फिर हम कॉपी करेंगे। इसके बाद आता हमारा क्रॉप कट, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कट। अब कट का मतलब क्या होता है, कट की शॉर्ट की होती है हमारी कंट्रोल एक्स, क्या होती है, कंट्रोल एक्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से मूव करने के लिए, यानी कि यहाँ से मैं कट कर दूंगा इसकी, तो दूसरी जगह हमारा चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। कॉपी का मतलब क्या होता है,
यानी कि एक जगह से हम कॉपी करेंगे तो हमारा उस जगह भी रहेगा ऑब्जेक्ट कोई भी डाटा और दूसरी जगह भी रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से पहले कर देता हूँ इसको सिलेक्ट। ध्यान रहे कॉपी या कट करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट हमारा कौन सा बटन है, ये वाला। ओके, ये वाला हमारा सिलेक्ट बटन है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से कट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी जगह पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ वी पे पेस्ट कर दूंगा कीबोर्ड से, या मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस प्रकार से। ओके, तो देख सकते हो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कोई कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो इस प्रकार से मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तुम्हारा यानी कि कट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा हमारा कट क्या होता है, कंट्रोल एक्स, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स। कॉपी क्या होती है हमारी, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल सी। पेस्ट क्या होता है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। ओके, कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल ओबी। इसके बाद आता हमारा क्रॉप, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्रॉप। एक 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 फंक्शन को हम समझाएंगे बारीकी से, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रॉप का मतलब जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को बनाया, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाला इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्रॉप। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेज छोटा हो चुका है क्रॉप। अब मैं जितना पेज यहाँ पे लेना चाहूँ उतना पेज ले सकता हूँ। ओके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए, यानी कि अपने हिसाब से छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ के इसको क्रॉप कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस प्रकार से, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कि पूरा बड़ा यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्टिव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, इतना इतना मैं काट भी सकता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। ओके, क्रॉप मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, यानी कि क्रॉप करने के लिए। और हाँ, नोट में आपको एक चीज़ और लिखनी है, यानी कि जो भी आपने, मान लो जो भी आपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी चेंजिंग की है, तो उसको उसी चीज़ में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना, मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया यहाँ पर इस तरीके से। ओके, मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आपको यह ध्यान से समझना, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो कोई। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट एक बनाया। अब मान लो मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कोई कलर डालता हूँ। अभी आपको कलर के बारे में सारा कुछ बताऊँगा, मैंने यहाँ पे एक कलर डाल दिया इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। अब आपको थोड़ी गलती हो गई इसमें, मान लो आपको कलर नहीं डालना है, यानी एक स्टेप आपको पीछे जाना, आपको कलर नहीं डालना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ जेड, यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड, देख सकते हैं इस प्रकार। तो फिर यहाँ पे कलर ओनली कलर खाली हो जाएगा। ओके, मान लो आपने द्वारा से कलर को फिल करना, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बाय प्रेस कर दोगे तो वो ही वाला हमारा कलर फिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल बाय इस तरीके से, देख सकते हो। ओके, तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी के बारे में काम आएंगे। ओके, तो आपको ध्यान से इसके बारे में समझना है, कंट्रोल बाय और कंट्रोल जेड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल जेड करता रहूँगा इस प्रकार से। ओके, दो बार करूँगा, देख सकते हैं इस प्रकार से मेरे यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब मुझे क्या करना, वो ऑब्जेक्ट मुझे वापस लाना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ बाई प्रेस कर दूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाई के साथ यहाँ पर खेल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, क्रॉप का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम यहाँ पर रिसाइज, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिसाइज। अब यहाँ पे रिसाइज का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताया था, यानी किसी भी पिक्चर का या ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, रिसाइज के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे यहाँ पे विंडो ओपन होके आ चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक तो परसेंटेज दिया हुआ है, एक यहाँ पे पिक्सल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल कितना साइज बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल कितना साइज बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे
विड्थ कितनी देना चाहता हूँ और हाइट कितनी देना चाहता हूँ, यहाँ पे पिक्सल के हिसाब से कर सकता हूँ। यानी आप पिक्सल किया और यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सारे सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से, तो मैं आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा रोटेट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रोटेट। तो रोटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमाने के लिए, जैसे 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश, 45 अंश, ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर रोटेट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से मैं पहले यहाँ पे कोई और एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल जेड, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट को किसी को सिलेक्ट। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किया सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको घुमाता हूँ। अब मैं यहाँ से करूँगा रोटेट और यहाँ पे करूँगा 90 अंश, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रोटेट हो चुका है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ से 180 अंश, देख सकते ये मेरा रोटेट होकर इधर आ गया। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, देख सकते जो मेरा कटा हुआ है यहाँ पे आ चुका है। अभी अभी मैं और घुमाऊँगा इसको, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रोटेट यहाँ पे कर दूंगा 90 अंश लेफ्ट, 90 अंश लेफ्ट और 90 अंश राइट। ओके, मैं यहाँ से क्या करूँ कंट्रोल जेड कर दूँ, तो मेरा उसी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया हो क्रॉप का मतलब क्या होता है, रिसाइज का मतलब क्या होता है, रोटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब क्या होता है, कट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पेंसिल, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ पेंसिल। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेंसिल, देख सकते हैं पेंसिल, तो आपको लिखना है पेंसिल। पेंसिल में क्या होता है, किसी भी यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी कि पेंसिल चला के हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे मैं इसके पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे माउस को मुझे यहाँ पे राइट क्लिक को दबा के रखना है और यहाँ पे पेंसिल को चलाना, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। यदि आपको पेंसिल को बंद करना हो तो आपको जो आपका राइट क्लिक होता है माउस को, उसको आपको छोड़ना, तो इस तरीके से मेरा बंद हो जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। आपको क्या करना, जो आपका माउस है माउस का आपको राइट, जो हमारा लेफ्ट क्लिक होता है उसको दबा के रखना और आपको इस तरीके से माउस को खिसकाना, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो पेंसिल हमारी क्या होता है, यानी कि पेंसिल क्या होता है हमारा, किसी ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से जो हमारा कलर है बाल्टी से आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या होती है हमारी, इसको मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिल विद कलर, यानी कि जो हमारा क्या होता है ब्रश, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको, यानी कि ब्रश करने के लिए जो हमारा होता है बाल्टी, यानी कि कलर भरने के लिए। ओके, तो इसको आपको क्या लिखना है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर भरने के लिए। ओके, जो हमारा खाली एरिया कोई भी होता है ऑब्जेक्ट, उसमें कलर भरने के लिए कैसे भरोगे, मैं एग्जांपल पे आपको बताता हूँ। तो भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिल विद कलर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस प्रकार से। अब आपको यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे कई सा बहुत सारे यहाँ पे कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो आपको इस कॉलम में आपको सिलेक्ट कर लेना है, मान लो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड, तो रेड। अब आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना आपके जो जिसमें आप कलर देना चाहते हो, जैसे मैं मान लो इस गोल में आपको कलर देना चाहता हूँ, तो इसमें आ जाना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका माउस है माउस से आपको लेफ्ट क्लिक के बाद दबा देना इस प्रकार से। ओके, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाया, मेरे यहाँ पे कलर फिल हो चुका है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ मेरे यहाँ पे कलर को फिल हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम कलर को फिल कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए, अब इसका मतलब क्या होता है, टैक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्स, यानी कि किसी भी पिक्चर के ऊपर टैक्स को लिखने के लिए। जैसे मान लो मैंने कोई पिक्चर बनाई, जैसे मान लो मैंने ये पिक्चर बनाई, मुझे इसके ऊपर कुछ भी लिखना है, तो मुझे क्या करना है, टैक्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। ओके, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस भी पिक्चर के ऊपर मुझे लिखना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, जैसे इस प्रकार से। ओके, देख सकते हैं अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो मैं यहाँ से कर लूँगा इसको सेलेक्ट ऑल इस तरीके से।
अभी सिलेक्ट में कर रहा हूँ, इसको आपको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कर्जर ले जाना है। अब आपको क्या करना है, जो आपका माउस है उसको लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखना और माउस को इधर खींच लेना इस प्रकार से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लैक दे देता हूँ, तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टैक्स के ऊपर यहाँ पे लिख चुका है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो ए का मतलब हमारा क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पिक्चर के ऊपर लिखने के लिए। ओके, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपको इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा इरेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इरेजर, देख सकते हैं इरेजर। इरेजर में आपको लिखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए। ओके, और नोट में लिखना है आपको दोस्तों, इरेजर का साइज कंट्रोल प्लस प्लस से बढ़ाया जा सकता है, कंट्रोल प्लस माइनस से घटाया जा सकता है। ओके, यदि आपको इरेजर का साइज आपको कम दिख रहा है तो आप क्या करो, कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करोगे, एक साथ प्रेस करने। ओके, यानी कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करोगे तो ये कंट्रोल जो हमारा इरेजर है उसका साइज बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो इरेजर के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और देख सकता हूँ ये मेरा इरेजर का साइज बहुत छोटा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखना आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेजर का साइज अभी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे इरेजर का साइज दिखाई दे रहा है। मुझे इसे बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्रेस किया तो मेरे यहाँ पे इरेजर का साइज बड़ा हो चुका है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस करूँगा तो इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा इरेजर का साइज छोटा होता जा रहा है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से मेरे यहाँ पे इरेजर का साइज छोटा हो गया। ओके, अब मुझे बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस दबा के रखना है, इस तरीके से मेरे यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इरेजर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे इरेजर, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है गलत बन गया, उसे मुझे मिटाना है, इरेज करना है, तो मुझे क्या करना है, उसके पास जाना और मुझे जो भी हमारा यहाँ पे जो मेरे माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको दबाना और मुझे माउस को खींचना है। ओके, किस तरीके से, अभी मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं इसको मिटा सकता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिटर इरेज हो चुका, यानी कि मेरे यहाँ पे मिटर चुका। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीके से। ओके, तो इरेजर का मतलब क्या होता है, हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा टूल क्या है, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कलर पिकर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कलर पिकर, ये क्या होता है हमारा, यानी कि जैसे कि हम पेन को चलाते हो उसी प्रकार से इसको चला सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी कलर लेके हम इसको लिख सकते कुछ भी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस तरीके से और मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देख सकते इस प्रकार से। ओके, सॉरी क्या हो गया, यहाँ से कोई पहले एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया तो रेड कलर में लेके यहाँ पे चला सकता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। ओके, इसका मतलब मुझे साइज बड़ा करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साइज, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से कोई भी साइज ले लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बड़ा साइज इस तरीके से। ओके, अब मैं यहाँ से लिखूँगा, देख सकते हो मेरे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा। ओके, देख सकते हैं पहले की अपेक्षा मेरे यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस जो हमारे टूल हैं इस तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता, सॉरी दोस्तों, इसके बाद आता दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टूल है हमारे यहाँ पे सर्च, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा चलेनी से, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगा, अपनी भाषा में बोले तो चलेनी से, ठीक है, सर्च। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखने के लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ से पहले कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इतना इतना कर लेता हूँ सेलेक्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा जूम टूल है इसके ऊपर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इस तरीके से। ओके, देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना इस तरीके से। ओके, मैं यहाँ पे जूम करना, देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितना बड़ा जूम हो चुका है। ओके, देख सकते हैं
जितना बड़ा मैं करता जाऊंगा इतना बड़ा मेरे यहाँ पे जूम होता जाएगा। ये दोस्तों क्यों यूज किया जाता है, यानी कि जो भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते तो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे जाता है कि हमारा जूम करके हम देख सकते हैं उसे कि हमारा कितना अच्छा बना हुआ, कहीं लाइन तो नहीं कट रही, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा। ओके, तो इस तरीके से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। मुझे क्या करना, उसी स्थिति में लाने के लिए मुझे क्या करना, मैं उस जूम के ऊपर जो मेरा राइट वाला बटन है माउस का उसको क्लिक करूँगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं खाली स्थान में जूम के ऊपर इस तरीके से क्लिक करके इस तरीके से। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से, तो उसी स्थान में मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल जेड कर दूँगा। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं मेरे यहाँ पे उसी जगह मेरे यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इतना तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता हमारा ब्रश, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्रश। अब देखो ब्रश में दोस्तों क्या होता है, हम इससे यहाँ पे कोई भी साइज ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ से मैं कोई भी साइज ले सकता हूँ। जैसे मान लो आपको इस तरीके से बहुत सारे ब्रश दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लो ये वाला ब्रश ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको दिखाई देगा मेरे यहाँ पे कैसा लिखा जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे ब्रश को लेके लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे यहाँ दूसरा ब्रश लेना, इस प्रकार से मैं यहाँ से इस ये वाला ब्रश ले सकता हूँ, यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों कोई भी ब्रश लेके आप इसे डिजाइन में अलग प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आता दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमारे शेप्स, इनको हम क्या बोलते हैं शेप्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे शेप्स होते हैं ये। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ शेप्स। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इन्हें लेके आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी जैसे मोबाइल है कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल पे आपको बता रहा हूँ इनका मतलब अलग अलग तरीका। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सारा ड्रॉ कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से सारा इसको रब कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड से कर सकते हैं या कंट्रोल ए से और इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए करके और इसे डिलीट बटन दबा सकते हैं, तो सारा डेटा सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ सारा चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं शेप्स। तो पहला शेप्स आता है नंबर फर्स्ट फर्स्ट वाई चलेंगे। ओके, तो पहला शेप्स आता है हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो दोस्तों जो भी हम लाइन खींचते हैं तो इस तरीके से खींच सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा माउस को, इस तरीके से खींचूंगा। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही जो मेरी लाइन है एक तरीके से खुद खुदरी सी आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, अच्छी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, एक तरीके से यानी कि टेढ़ी सी दिखाई दे रही होगी। अब मुझे लाइन सीधी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ कीबोर्ड होता है कीबोर्ड से मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा। ओके, शिफ्ट देख सकते, जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट दबाया तो मेरी लाइन यहाँ पर एक तरीके से सीधी खींची हुई है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के लाइन को खींचता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब आपको दोस्तों अंतर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा इस लाइन में और इस लाइन में, आपको बहुत अंतर दिखाई दे जाएगा। ये जो मेरी ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ी खुद खुदरी सी दिखाई दे रही होगी। ओके, ये आपको लाइन सीधी दिखाई दे रही होगी। तो मेरी दोस्तों शिफ्ट दबा के मेरी ये लाइन खींची हुई है और ये विदाउट शिफ्ट के खींची हुई है। ओके, तो इसके बाद दोस्तों बताता हूँ नेक्स्ट जो हमारी आपको दिखाई दे जाएगी, दूसरी कर्व लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। जो हमारी टेढ़ी सी लाइन है हमारी कर्व लाइन होती है। ओके, इसे आप यूज करके कुछ भी बना सकते हैं, इसे दो तरीके से आप घुमा सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ शिफ्ट, शिफ्ट दबा के इसको सीधी खींचता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं। ओके, अब मुझे मान लो दो तरीके से इसको तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको भी दिखाई दे रहा हो ध्यान से देखना, इस तरीके का गोला दिखाई देगा तभी आप तोड़ पाओगे। ओके, तो मुझे क्या करना है, जहाँ से मुझे तोड़ना है वहाँ पर ले जाना और जो मेरा लेफ्ट क्लिक है माउस उससे दबाना इस तरीके से। मुझे कैसे भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं मैं नीचे कर सकता हूँ इसे। ओके, इसे इस तरीके से कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से मुझे यहाँ पे छोड़ देना है। अब मुझे आगे से इसको घुमाना तो मुझे आगे ले जाना और इस तरीके से जो मेरा माउस है उसको लेफ्ट क्लिक दबा के इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। तो मेरी लाइन दो तरीके से इसे मैं घुमा सकता हूँ। ओके, ये होती है दोस्तों हमारी कर्व लाइन, इससे हम फ्लैग वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ओके, और दोस्तों और भी हमारी यहाँ पे लाइन है और तो सारी एक्स्ट्रा बोई लाइन बोई चीज़ें हम कुछ भी लेके यहाँ पे, जैसे ओवल है, ओवल से हम कुछ भी बना सकते हो। कि इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये वृत्ताकार आता है, हमारे यहाँ पे गोलाकार आता है, यहाँ पे हमारा ये साइन आता है, वो साइन आता है, नहीं सारे कुछ अपने अपने साइन है, कैसे भी कर सकते हो। कि इस तरीके से ये साइन दोस्तों बनाने के लिए आपको कलर डालना, कलर डालने के लिए आपको क्या करना, मैंने बताया दिया आपको, ब्रश के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपको कोई भी मान लो ब्लैक करना तो ब्लैक के ऊपर क्लिक करना, यहाँ से फिल कर देना इस प्रकार से। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप कलर को फिल कर सकते हैं। ओके,
तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। जैसे हमारे ये सारे टूल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दिया जाएगा साइज हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब एक चीज़ बची हुई है दोस्तों हमारी, क्या फिल और यहाँ पे आउटलाइन, इसके बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। तो फिल और आउटलाइन को मैं पहले इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ और इसको सारा डिलीट कर देता हूँ कि यहाँ से मैं कोई एक ओवल बनाता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ओवल बनाया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आउटलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो दोस्तों आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम नो आउटलाइन दे सकते, सॉलिड आउटलाइन दे सकते। आउटलाइन कौन सी होती है आपको पता ही होगी, जो बाहर की लाइन होती है। ओके, जैसे यहाँ पे क्रेजी आउटलाइन दे सकता हूँ, यहाँ से अलग अलग प्रकार की आउटलाइन दे सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, वाटर कलर दे सकते हैं, यहाँ पे ऑयल दे सकता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, सारी आउटलाइन दे सकता हूँ। अब आता हमारा दोस्तों फिल, देख सकते हैं यहाँ से मैं कोई भी कलर इसमें फिल कर सकता हूँ। जैसे जो मेरी आउटलाइन है, आउटलाइन में कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ रेड, रेड है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, कोई भी कलर मैं यहाँ पे आउटलाइन में फिल कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप आउटलाइन में कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे जो भी आते हैं यहाँ पे कलर, बहुत सारे यहाँ पे कलर दिए हुए, देख सकते हैं इस प्रकार से। आप यहाँ से मन चाहे कलर सेट कर सकते हैं। कलर सेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट कलर है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो मैं यहाँ पे एडिट कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ से कोई भी कलर आपको यहाँ से सेट कर लेना। जैसे मैं माउस को इधर ले जाता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से। सेट करने के लिए इस प्रकार से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके के ऊपर, तो हमारे यहाँ पे कलर सेट हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो भी आपका एमएस पेंट है, इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एमएस पेंट की जो भी मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी सारी मैंने आपको लिखा तो दी है वैसे, और मैं और भी आपको शॉर्ट की देना चाहता हूँ, तो थोड़ा वेट कर मैं आपको और शॉर्ट की बताता हूँ। देख सकते हैं एमएस पेंट की मेरे यहाँ पर सारी शॉर्ट की आ चुकी है। इन शॉर्ट की को आप एक बार नोट कर लें, कंट्रोल एन क्या है, कंट्रोल ओ क्या है, कंट्रोल एस क्या है, F12 क्या है, कंट्रोल पी से क्या होता है, ऑल्ट एफ फोर से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है। ओके, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, आप फिर भी एक नोट डाउन कर ले, से हमारा इंग्लिश में दिया हुआ। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और मिल जाएगा जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ। जैसे यहाँ पे राइट एरो से क्या होता है, लेफ्ट एरो से क्या होता है, डाउन एरो से क्या होता है, अप डाउन से क्या होता है, एक्स अप से क्या होता है, डिलीट से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल माइनस से क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, कंट्रोल माइनस से क्या होता है, कंट्रोल यू से क्या होता है, कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल पेज अप से क्या होता है, कंट्रोल पेज डाउन से क्या होता है, F11 से क्या होता है, कंट्रोल आर से क्या होता है, कंट्रोल जे से क्या होता है। यानी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट की मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ओके, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें, तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट की, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें एक बार। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे इतनी शॉर्ट की मेरी आ चुकी है, बहुत ही आपके काम आएंगी। ओके, तो मैं इसको आप और नीचे करता हूँ, आप इसे एक बार स्क्रीन शॉट ले लें अच्छी तरीके से। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, आप इसे स्क्रीन शॉट ले लें, आप इसे लिख भी सकते हैं, और मैं इसको नीचे करता हूँ इस तरीके से। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों हमारा एमएस पेंट एक दोस्तों हमारा पेंट एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। ओके, इतनी ही नॉलेज थी दोस्तों हमारे पेंट में, जो मैंने आपको सारे कुछ बता दिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बगल में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।